छत्तीसगढ़ में नहीं बचेगा कोई गैंग, गैंगस्टर को गृह मंत्री की दो टूक। मीडिया से साफ कहा, ऐसा नहीं चलेगा, ठोक दिया जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पूरी खबर जो है हम नक्सलियों के को लेकर बता रहे हैं कि नक्सलियों को गृह मंत्री ने ऐसी दो टूक सुनाई है, तो आप गलत हैं। ये खबर नक्सलियों के लिए नहीं है, ना ही नक्सलियों के किसी गैंग के लिए है, ना ही नक्सलियों को गृहमंत्री ने इस मामले में चेतावनी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि गृहमंत्री नक्सलियों को पहले चेताते रहे हैं, लेकिन ये मामला इससे बेहद अलग है। अलग कैसे है ये आपको हम बता देते हैं। मामला है एक शूटर गैंग से जुड़ा हुआ और उसके गुर्गों से जुड़ा हुआ, जिनकी हाल ही में गिरफ्तारी रायपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर की है। चार लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी गैंग के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात कह रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा करने की कोई कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसे ठोक दिया जाएगा, ऐसी हिमाकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आहट दरअसल सुनाई दी है, और इसी मामले पर डिप्टी सीएम से जब सवाल किया गया था विजय शर्मा से, जो कि गृहमंत्री भी हैं, तो उन्होंने ये सारी बातें मीडिया से कही और कह दिया कि हिमाकत न करें, ठोक दिया जाएगा, ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विजय शर्मा ने क्या कहा ये सुनिए। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो के फारेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया, ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। मामला आपको बता देते हैं। दरअसल आपको ये बताएं कि दो दिन पहले ही रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। पुलिस ने अमन साहू गैंग के चार शूटर्स को गिरफ्तार किया। अब ये अमन साहू गैंग कौन है, लॉरेंस बिश्नोई की बात हो रही थी लेकिन अमन साहू गैंग कौन है, तो ये आपको बता देते हैं कि कौन है ये गैंग। ये गैंग झारखंड में सक्रिय बताया जाता है, और ये भी पता चला कि गैंग के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में, वहीं से ऑपरेट करता है। ये मामला एक व्यापारी से जुड़ा हुआ है जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और कारोबार उनका झारखंड में है, और अमन साहू गैंग के वो टारगेट पर हैं। अब रायपुर और राजस्थान की पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को जब पकड़ा है, तो पुलिस की तरफ से सामने आई जो जानकारी निकली है उससे ये पता चला कि अमन साहू गैंग को मयंक सिंह नाम का एक शख्स मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। इतना ही नहीं, जिन शूटर्स को रायपुर पुलिस ने दबोचा है उनके तार मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई थी इससे भी जुड़े हुए बताए गए। लेकिन अब जबकि डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में किसी गैंग के लिए कोई जगह नहीं, किसी गैंग का सिक्का नहीं चलेगा, तो माना यह जा रहा है कि पुलिस भी इस मामले में पूरी सक्रियता से अब कार्रवाई करने वाली है।